अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट अपडेट्स आपके साथ शेयर करनी है। और आप जानते हैं कि एएचए असिस्टेंट्स हमेशा आपके साथ ऑथेंटिक और रियल न्यूज शेयर करता है विद नोटिफिकेशन विद प्रूफ। सो आज भी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है रिगार्डिंग योर स्कूल्स, रिगार्डिंग एग्जाम्स 2021। साथ ही साथ कुछ बोर्ड और बोर्ड्स की तरफ से नोटिफिकेशन आए हैं, कुछ इन लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स हुई हैं एनसीओसी और एजुकेशनल मिनिस्टर्स की तरफ से, उन सब के बारे में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगी। इससे काइंडली वीडियो को टिल द एंड देखिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो और तमाम इंफॉर्मेशन आपको क्लियर हो। साथ ही साथ मैं बात करूंगी एग्जाम के हवाले से जो इंस्ट्रक्शन आई हैं और स्कूल्स जिन इलाकों में अब तक बंद हैं उन इलाकों में क्या सूरत हाल होने वाली है, क्या उनके लिए हदायत जारी की गई हैं, उस सब के बारे में बात करूंगी। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ नोटिफिकेशन। ये आजाद जम्मू कश्मीर इंटरमीडिएट और सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से इशू किया गया है। इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जिन स्टूडेंट्स ने 2020 में मार्क्स इंप्रूवमेंट की एप्लीकेशन दी थी और वो सेटिस्फाइड नहीं थे हुकूमत की मार्किंग से, सो उनको एक और मौका दिया जा रहा है और 31 मई तक वो अपने दाखिले दोबारा भिजवा सकते हैं सिंगल फीस के साथ। ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है उन बच्चों के लिए जो इम्प्रूवमेंट के पेपर्स देना चाहते हैं। उसके बाद स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एबटाबाद बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन एबटाबाद की तरफ से प्रेस रिलीज की गई है और इन्होंने कंपल्सरी करार दिया है तमाम टीचर्स और इन्वेजिलेटर्स को कि वो वैक्सीनेशन लाजमी लगवा लें, अदरवाइज वो ड्यूटी के ना अहल होंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एग्जाम्स 2021 के हवाले से। स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा अपसेट हैं प्रमोशन की न्यूज को लेकर, एग्जाम्स को लेकर, एनसीओसी के मुख्तलिफ फैसले सामने आए उन न्यूज को लेकर स्टूडेंट्स काफी ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार हैं। इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी तमाम कंफ्यूजन को दूर करते हुए आपको बिल्कुल सीधा राह दिखाऊं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप प्रॉपर गाइडलाइन को फॉलो कर सकें। सो डियर स्टूडेंट्स, एनसीओसी ने कहा है कि 20 जून के बाद आपके एग्जाम्स होंगे। इस हवाले से बकायदा नोटिफिकेशन भी इशू कर दिया गया है, फेडरल मिनिस्ट्री की तरफ से भी प्रॉपर ट्वीट फॉरवर्ड कर दिया गया है, प्रॉपर नोटिफिकेशन इशू कर दिया गया है, इसलिए इसमें अब कोई चेंजेस पॉसिबल नहीं है। अब 2021 के एग्जाम्स को डिले होना मजीद या स्टूडेंट्स को प्रमोशन का कोई फैसला सामने आना वो मुमकिन नहीं नजर आ रहा क्योंकि फाइनल नोटिफिकेशंस भी इशू कर दिए गए हैं। 20 जून के बाद पेपर्स कंडक्ट होने के फाइनल ऐलानात किए गए हैं। इसके अलावा जो मीटिंग की गई शफकत महमूद साहब की सुपरविजन में उसमें भी यही फैसला सामने आया कि बगैर इम्तिहानात किसी स्टूडेंट को प्रमोट नहीं किया जाएगा। अलबत्ता कुछ चेंजेस जरूर की गई हैं पेपर्स में और उन चेंजेस के तहत पहले 10th और 12th के एग्जाम्स होंगे और उसके बाद 9th और 11th। इसके अलावा एक और तजवीज देखने में आई है और सामने आ रही है कि ऐसा किया जाए कि एक दिन 10th का पेपर हो, अगले दिन 12th का पेपर हो, इस तरीके से साथ साथ 10th और 12th के पेपर्स चलें ताकि जल्दी उनके पेपर्स एंड हो और उनकी असेसमेंट्स करके उनके फाइनल रिजल्ट्स इशू किए जा सकें ताकि फर्दर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में दाखिले में मुश्किल ना हो। इसके अलावा समर वेकेशन के हवाले से जो लेटेस्ट न्यूज सामने आई है उसमें ये फैसला किया गया है कि इस बार गर्मियों की छुट्टियां बहुत ज्यादा कम होंगी, पेपर्स जैसे ही फिनिश होते हैं उसके बाद जल्द से जल्द फाइनल रिजल्ट्स अनाउंस करने की कोशिश की जाएगी ताकि प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो सकें। इसके अलावा मुरादरा साहब की तरफ से स्कूल खोलने के हवाले से एक ऐलान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि द इशू ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स दैट आर स्टिल क्लोज्ड इन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब वर डिस्कस्ड इन लास्ट एनसीओसी मीटिंग। The remaining districts will have a staggered approach opening from Monday, June 7, 2021. Please follow SOPs issued by the government. यानी कि जिन स्कूलों में, जिन इलाकों में अभी तक स्कूल्स नहीं ओपन हुए उन तमाम पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स के लिए ये अहकाम जारी किए गए हैं कि 7 जून से उनको खोल दिया जाए। सो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, बार बार जो स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि उनके स्कूल्स कब खुलेंगे, किस सिटी में, सो इस हवाले से अब होप सो आपको ये क्लियर होगा मुरादरा साहब की ट्वीट के बाद कि जितने भी स्कूल्स हैं जो कि इस वक्त बंद हैं जिन इलाकों में, वो भी 7 जून से खोल दिए जाएंगे। इसके अलावा मजीद एक और लेटेस्ट अपडेट आपके साथ शेयर करती चलूं कि एनसीओसी की एक और मीटिंग जरूर होगी हेल्ड
उस मीटिंग में क्या डिसीजंस लिए जाएंगे इस बारे में अभी तक कोई फाइनल इंफॉर्मेशन नहीं है। और आप जानते हैं कि जब तक कोई खत्मी या प्रूफ के साथ इंफॉर्मेशन ना हो, एएचए असिस्टेंट्स आपके साथ शेयर नहीं करता। सो 3 जून को एक्सपेक्टेड है एक मीटिंग, पर उस मीटिंग में क्या फैसला होने जा रहा है ये अभी तक इस बारे में कोई फाइनल नहीं पता। इसलिए यू हैव टू स्टे ट्यून टू माई चैनल ताकि जो भी लेटेस्ट न्यूज हो, जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हो, वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। Thank you for watching my video. Stay tuned. Allah Hafiz.